हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू चैनल भारती टीचर। नेचर विंग प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 10 सितंबर 20 यानी कल होने वाली है। इसमें कितना लिस्टिंग हमें मिलेगा है जानने से पहले हम लोग इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियली ये आईपीओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। 2022 में 19.89 लाख के प्रॉफिट पता जो 24 में बढ़ करके 111.95 लाख हो गई है। एक साल के अंदर अपना प्रॉफिट को 72% ग्रो किया है, रेवेन्यू को 86% ग्रो किया है एंड 22 के मुकाबले 24 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 गुना का ग्रोथ है। एसेट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, नेटवर्थ भी लगातार ग्रो किया, 88.63 लाख से बढ़कर के 265.63 लाख हो चुकी है। और यहाँ पर रिजर्व घटता हुआ दिख रहा है, यह एक निगेटिव पॉइंट है। इसमें रिजर्व घट रहे हैं, उधारी भी घटता हुआ दिख रहा है, 8.73 लाख से घट करके 5.12 लाख हो गई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.10 है, ये भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ना ही इसको के लिए। आरओसी 5.76 है, डेट पर इक्विटी 0.03 है जो कि न के बराबर। इसका कुछ खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखेगा लिस्टिंग पर। नेटवर्थ 42.13% है, पैट मार्जिन 5.13 है, पीई प्री आईपीओ 14.61 है एंड पोस्ट आईपीओ 20.19 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति ठीक है, अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इसकी बिजनेस की बात करें तो 2018 की इंक्रोप्टेड कंपनी है और यह होलीडे पैकेज सर्विस प्रदान करती है। जो ट्रेवल्स आते हैं, जो विजिटिंग करने आते हैं हिमालय पर्वतमाला पर, जो ट्रेवल वहां पर विजिट करने आते हैं उन्हें होलीडे पैकेज प्रदान करती है और इसका मुख्य फोकस इंडिया, नेपाल एंड भूटान होता है एंड एम हर तरीके से अपने यात्रियों को सुविधा प्रदान करती है, एयर टिकट बुकिंग में, होटल रिजर्वेशन में एंड इसकी लोकेशन इनसाइटिंग पर जहां पर उसको जाना है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सर्विस भी प्रदान करती है और उसके आसपास में जितना भी गंतव्य स्थल होते हैं वहां तक एक विजिट कराने की जिम्मा रखता है। तो अपने यात्रियों को इसके जो क्लाइंट है उन्हें बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रदान करी है। जो हिमालय के ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं उसके इर्द गिर्द में जितने भी दर्शनीय स्थल होते हैं उन सारी जगहों पर घुमाता है। तो बिजनेस इसका बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बिजनेस करी है। यहाँ पर एयर बुकिंग की भी सर्विस प्रदान करती है, होटल रिजर्वेशन हो गया, इन ट्रांजिट अरेंजमेंट हो गया, लोकल इनसाइटिंग हो गया एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सर्विस हो गया। सारी सर्विस अपने यात्रियों को, अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। तो बिजनेस बहुत अच्छा करी, बहुत बेहतरीन बिजनेस करी है। इसके साथ ही यह इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना पैकेज सर्विस प्रदान करने लगा, जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, केन्या हो गया, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर, मालदीव जैसे देशों में भी ये इंटरनेशनल पैकेज सर्विस प्रदान करने लगे। तो बिजनेस इसका अच्छा, बिजनेस कोई दिक्कत नहीं दिख रही, यूनिक बिजनेस है, फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ही बेहतरीन है। बात करें सब्सक्रिप्शन की, 383.48 बनाए आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल कैटेगरी में 487.17 गुना, अदर्स में 270.65 गुना, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन हुआ, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जीएमपी की बात करें आज की तारीख में इसकी जीएमपी 40.64%, इसकी जीएमपी की ओपनिंग 60.81% पर हुई थी, अभी घट चुका है, 45 रुपए पर ओपन हुआ था, अभी फिलहाल 30 रुपए बचे हैं। कट ऑफ प्राइस 74 रुपए, अनलिस्टेड मार्केट में 104 पर ट्रेड करिए, अपने निवेशकों को 40.54% की मिलकर दे रही है। इसमें जीएमपी घटने नहीं चाहिए, जीएमपी ऐड होकर इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से जीएमपी घटती भी है 20% से ज्यादा जीएमपी नहीं घटनी चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग गेन 20% की हो सकती है, अधिकतम बात करें तो 70% 80% प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति भी इसकी बेहतरीन है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, तो एक अच्छा लिस्टिंग भी आपको मिलना चाहिए। तो एक अच्छा और बेहतरीन लिस्टिंग भी आपको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर जीएमपी में डाउनफॉल की स्थिति आती है तो 20% से ज्यादा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, मिनिमम 20% की लिस्टिंग भी आपको मिल सकती है। आई थिंक दिस पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं, समझ में आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन जय हिंद।